जालौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन जनपद के मुख्यालय उरई में जनसभा के दौरान कहा है कि बुंदेलखंड का सूखा और अन्ना प्रथा यहां के प्रमुख समस्याएं, इन दोनों समस्याओं को स्थायी समाधान कैसे होगा, इसके लिए अपने कई मंत्रियों के साथ मैं यहां आया हूं। इसी बड़ी समस्या के लिए ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भारी मंत्री एवं अधिकारी सभी प्रयासरत हैं। उन्होंने दावा किया कि सिंचाई की सारी 6 परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, अक्सर कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए लोग सरकार की ओर उम्मीद से देखते हैं कि सरकार कब पैसा देगी और कब काम शुरू होगा। यहाँ नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सरकारी धन से हम एक आदर्श गौशाला का निर्माण करेंगे, इससे यहाँ गोबर गैस प्लांट, वर्मी कंपोस्ट का काम होगा और बड़े प्लांट लगेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की औषधियों पर भी रिसर्च होगा और बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने जालौन में 386 करोड़ की परियोजनाओं और शिलान्यास लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के बुंदेलखंड की मिट्टी सोना बनाने का काम करेगी, देश की तरक्की का कार्य इसी धरती से शुरू होगा। मैं कह सकता हूँ कि मात्र 2 वर्ष के अंदर हम बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जनता की समस्या का समाधान जनता को स्वयं करना होगा। यहाँ के मंत्री, प्रभारी मंत्री व जिलाधिकारी ने मिलकर इन अन्ना पशुओं से छुटकारा दिलाने का काम शुरू किया है। यही यहाँ की दूसरी प्रमुख समस्या सूखे की, इसका समाधान होना ही चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्राथमिकताओं में बुंदेलखंड के विकास की बात कही थी। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैं बुंदेलखंड आया और आज फिर आया हूँ। मेरे साथ आज सिंचाई व ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। इनको आदेश दिए गए कि जहां भी सरकारी मदद चाहिए बता दें, लेकिन यहां की सारी परियोजनाएं समय से पूरी करें ताकि यहां पेयजल और सूखे की समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि सिंचाई की सारी 6 परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सामने नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, प्रदेश का विकास, सबके लिए बड़ी कार्य योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करता था, अब वह सरकार हमारी सरकार है। मैं आत्महत्या नहीं करने दूंगा, बल्कि खुशहाली के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ़ किया, गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाया, साथ ही किसानों को सिंचाई के साधन दिलाए, बिजली दिलाई। बुंदेलखंड के अंदर कोई गरीब भूखा ना रहे, सरकारी राशन से वंचित ना रहे, इसके लिए अभियान चलाकर राशन देने के निर्देश दिए गए। आज 386 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। इसका लाभ अंतिम पंक्ति के लोगों को मिलेगा। वह जालौन जिले के मुख्यालय उरई में राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित लोक कल्याण मेला, लाभार्थी सम्मेलन व परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। शिलान्यास और शासन के लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं, और उस समय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने बात कही थी कि अगर एक एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड से जोड़ने की कार्य योजना के साथ हम कार्य करें तो काफी हद तक हमें बुंदेलखंड के विकास को एक नई गति देने में सफलता प्राप्त होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग आगरा के पास से चित्रकूट को पाया जालौन होते हुए एक एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, न केवल एक्सप्रेस वे बल्कि आपने देखा होगा जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 21-22 फरवरी को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट किया था, इस इन्वेस्टर समिट का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर जालौन से अजनुज की रिपोर्ट।